हेलो एवरीवन, प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, हम मिली जुली किचन में आज मैं नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो वो नई रेसिपी क्या है, तो यहाँ पे मैं कुंदरी के भुंजिया लाई हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत ही चटपटा भुंजिया बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आधा केजी के लगभग कुंदरी ली हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार कट कर देना है। पता नहीं आप लोग के तरफ क्या बोला जाता है, पर हम लोग के तरफ कुंदरी बोला जाता है। तो देखिए, इस तरह से एक कुंदरी को चार भाग में कट कर लेना है, और पहले अच्छे से इसको बॉश कर लेना है। तो देखिए, मैं अच्छे से इसको बॉश कर ली हूँ, और इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, और इसी तरह से सारा कुंदरी को मैं कट कर लूँगी। देखिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज़। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और इस तरह से मैं सारा कट कर ली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें तेल मैं डाल रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे तेल भी गर्म है, क्योंकि कढ़ाई गर्म था तो तेल भी जल्दी गर्म हो गया है। तो इसमें मैं भुंजिया डाल रही हूँ, देखिए इस प्रकार से। और गाइज, इसका चटपटा भुंजिया बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल चावल भुंजिया मैं बनाती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छा। तो देखिए, इसको चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ। तो इसे मैं एक टमाटर इसे ग्राइंड करूँगी, इसमें दो या तीन मैं मिर्ची ऐड करूँगी। देखिए, यहाँ पे मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ, अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी, और थोड़ी सी मैं जीरा डाल दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पे भुंजिया भी आप लोग देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी बनने वाली है। और कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या भैया, आप लोग के तरफ इसको क्या बोलते हैं, कुंदरी बोलते हैं या फिर और कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक स्वाद अनुसार, आधा केजी में मैं 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग अपना स्वाद अनुसार डालिएगा। तो देखिए, यहाँ पे अब मैं जो ग्राइंड की थी मसाला, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसमें सूखा मसाला भी ऐड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी तो आप देख पाइएगा कि मैं कैसे भुंजिया चटपटा बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और सब्जी मसाला मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आप भुंजिया एक बार ज़रूर बनाइएगा, और दाल चावल भुंजिया खा के, गरम गरम दाल, गरम गरम चावल और गरम गरम भुंजिया। तो देखिए गाइज, कितनी अच्छी भुंजिया बन चुकी है। तो कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, एक कमेंट तो ज़रूर बनता है गाइज, किसे मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी को अगर लाइक शेयर कीजिएगा, तभी तो मैं, और आप लोग हेल्प कीजिएगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी और नई रेसिपी के साथ आप लोग से मिलते रहूंगी। तो गाइज, थोड़ी हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं धनिया के पत्ता से थोड़ी सी इसको सजा रही हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि भुजिया आप लोग को कैसी लगी, और देखिए यहाँ पे कितनी देखने में ही चटपटा लग रहा है, और खाने में तो बहुत स्पाइसी एक भुंजिया है। तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, और बनाकर कमेंट में बताइएगा कि सच में स्पाइसी था कि नहीं। तो ठीक है गाइज, बाय।